आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी जो मछलियां हैं उनकी सफाई कैसे करता हूं, उनको मेंटेन कैसे करता हूं। देखिए, मैं मेरे पास ऑलमोस्ट 5 to 6 मछलियां हैं और बहुत सारे 70-80 स्नेल्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये कि मैं अमूमन जो मछलियां होती हैं उनको 15 डेज के ऊपर उनका पानी चेंज करता हूँ। अब उसके पानी चेंजिंग के लिए एक स्पेशल किस्म का मैंने एक आला रखा हुआ है जिसे साइफन कहते हैं। वो होता है ना, पुराने जमाने की एक टेक्निक होती थी कि आप पानी के पाइप को अगर जोर से खींच के गिराते हैं हाइट से नीचे तो वो ऑटोमेटिकली गिरता रहता है मोटर की तरह ना, तो ये साइफन वही काम करता है। फिर इसके अलावा जो पानी आपने निकालना होता है उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो पानी आप निकाल रहे हैं उसका एटलीस्ट जो है ना इतना पानी लाजमी पुराना छोड़ना है कि मछलियां उसमें जिंदा रह सकें। यानी कि पूरा टैंक कभी खाली नहीं करना। अगर आपने पूरा टैंक खाली करके पूरा साफ कर दिया तो जो मछलियों के पानी के अंदर जो उन्होंने एक खास किस्म के जरासीम वगैरह पैदा किए हुए होते हैं वो मर जाते हैं, मछलियां उससे नुकसान होता है, याद रखिएगा। पूरा पानी कभी खाली नहीं करना होता। मेरे पास जो फिशेज हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब हेल्दी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज़, अगर आपके पास जैसे हीटर लगा हुआ है या फिल्टर लगा हुआ है, बहुत से लोगों के फिल्टर लगे हुए होते हैं, जैसे मैंने 2 से 3 फिल्टर्स लगाए हुए हैं क्योंकि पानी कम चेंज करना पड़े। फिर इसके अलावा हीटर लगाया जाता है सर्दियों के लिए। अब हीटर के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हीटर है वो कंप्लीटली डिप्ड होना चाहिए पानी के अंदर, पानी पूरा हीटर तक जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर पूरा हीटर नहीं डूबा हुआ होगा तो उसका ग्लास टूट जाएगा और मामला खराब हो जाएंगे। और यस, हीटर वाटर प्रूफ होता है और जो फिल्टर्स लगे हुए होते हैं वो भी वाटर प्रूफ होते हैं। जो लाइट आती है सबमर्सिबल लंबी सी ट्यूबलाइट, वो भी वाटर प्रूफ होती है। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप सफाई कर देते हैं तो आपको 2-3 चीजें डालनी होती हैं। मिथाइलिन ब्लू डाला जाता है जो कि एक एंटी फंगल है जो कि फंगस को नहीं लगने देता, ठीक है। दूसरा एक आता है वाटर एक्वा क्लियर करके को ड्रॉप्स होते हैं कि पानी ज़्यादा साफ रखते हैं। और तीसरा आपने एंटी क्लोरीन डालना होता है। एंटी क्लोरीन कितना डालना है, जो जिससे आप क्लोरीन का सॉल्यूशन लेंगे, अमूमन जो फिशेज वाले होते हैं बंस रोड वगैरह से, वहां से आपको मिल जाता है। उनसे पूछना कितने ड्रॉप्स डालने हैं अपने टैंक का साइज बता के, ठीक है ना। अमूमन 5 to 10 ड्रॉप्स डालना लाजमी होता है क्योंकि जो आप घर का पानी यूज करते हैं उसमें क्लोरीन होती है जो कि फिशेज के लिए नुकसानदेह होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने पानी डालना है तो पानी ऐसे गिराना नहीं है जोर से कि पाल्टी पूरी आपने जो है ना वो कल्टी कर दी। डोंट डू दिस, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मछलियों को चोट लगती है, दूसरा कचरा सारा ऊपर आ जाता है, तो आपको फायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो आपने पानी डालना है उसके नीचे हाथ रख के ताकि डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अलबत्ता दैट्स ऑल, फिशेज की सफाई वगैरह करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजिली होती जाती है। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगते हैं आपको पानी रिप्लेस करने में, और पानी 100% रिप्लेस तो करना नहीं होता दैट्स ऑल। और इसके अलावा फिशेस को खाना ज़्यादा नहीं देना होता एटलीस्ट, और जब आपने क्लोरीन वगैरह मिथाइलिन ब्लू वो दवाइयाँ डाली हैं तो कम से कम 1 घंटे तक तो ना दीजिए। और दिन में 2 टाइम खाना दें, और एक मछली जो है ना उसको इतना ही खाना दें, अगर ज़्यादा खिलाएंगे तो मछलियाँ बीमार हो जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।